एज ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज, और ओपन कर दिया। फिर ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ राइट साइड पे क्लिक करके, यहाँ पे तीन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग सेटिंग पे चलेंगे राइट कॉर्नर पे। जैसे आप सेटिंग पे आए तो राइट साइड में आप यहाँ पे आएंगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि डाउनलोड, और डाउनलोड पे आपने सबसे पहले वही सेम चीज कि यहाँ पे क्या करना है कि लोकेशन, लोकेशन को कोई भी लोकेशन चेंज करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप उसकी लोकेशन चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं कि जहाँ पे आप लोग क्या करना चाहते हैं कि डाउनलोड की विंडो चाहते हैं कि डाउनलोड आपका यहाँ पे दिखे, तो वहां पे से ये लोकेशन चेंज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो मेन आता है कि आस्क मी व्हाट टू डू विद ईच डाउनलोड, इससे क्या करना है कि इसमें हमें पूछना है कि आस्क मी व्हाट टू डू विद ईच डाउनलोड। इसकी जगह पे अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई चेंजेस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव फ्रॉम नेट पे क्लिक करते हैं, सेव फ्रॉम नेट। और यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव फ्रॉम नेट पे क्लिक किया तो इट मीन्स कि यहाँ पे ओपन हो गया, वही वीडियो कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसे मैंने डाउनलोड पे किया। जैसे ही मैं इसे डाउनलोड पे करता हूँ तो सिक्योरिटी अलर्ट पे, तो इसे डिलीट कर नदी देते ने हैं। ये रड़कते देखिए हुए कुएं से यहाँ पूछा, पे मैं क्या तेरी करता हूँ, क्या डाउनलोड औकात पे है क्लिक तेरी करता कुएं हूँ। से? नदी ने जैसे मैंने डाउनलोड पे रड़कते यहाँ हुए पे कुएं से क्लिक पूछा, किया तेरी क्या औकात है तो ये तेरी? देखिए यहाँ पे क्या होगा कि वो डाउनलोड हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ की सेटिंग पे इस पे क्लिक करूंगा, इट मीन्स कि मेरे से आस्क करेगा, पूछेगा डाउनलोड के बारे में। तो राइट तीन बिंदु पे फिर डाउनलोड। अब ये देखिए ये मेरे से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जैसे ही मैं इसे सेव पे क्लिक करूंगा तब ये डाउनलोड होगा, अदरवाइज ये डाउनलोड नहीं होगा। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए नदी फाइल ने को क्या हो रड़कते गई, हुए कुएं ये से पूछा, डाउनलोड तेरी हो गई। क्या सेम औकात? ऐसे ही हम लोग क्या किया था गूगल में किया था, और सेम हमने यहाँ पे इसे भी ऐसे किया। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी विंडो ओ डाउनलोड की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।